भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 6 वार्ड नंबर 26 और हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 6 में इन दिनों बंदरों ने जमकर आतंक मचा रखा है। ये उत्पाती बंदर 40 से 50 के संख्या में एक झुंड के रूप में लोगों के घरों में छत पर जाकर जमकर उत्पात मचाते हैं और घरों के छतों पर लगी पानी की टंकियों के ढक्कन को खोलकर उसमें उत्पात मचाते हैं और तो वही टंकियों में लगी नलकी को भी उखाड़ कर दूर फेंक देते हैं। वही टंकियों में भरा पानी खाली कर देते हैं जिससे लोग घरों में पानी के लिए भी तरस रहे हैं। अगर इनको भगाने के लिए कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो झुंड के रूप में उस पर हमला कर देते हैं। बिजली के खंभों से घरों में आ रहे वायर पर लटक कर झूलते हैं जिससे गलियों में सभी वायर ढीले होकर नीचे लटक चुके हैं। कईयों के तो खंभों से तार टूटकर भी अलग हो चुके हैं जिससे घरों में बिजली भी गायब हो गई है। वार्ड नंबर 26 के पार्षद राजेश यादव ने बताया कि बंदरों का यह आतंक गत 2 साल से लगातार इसी तरह जारी है। बंदरों के आतंक से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, बाहर निकलने से भी डर लगने लगा है। घरों के छतों पर रखी टंकियों के ढक्कन गायब हो चुके हैं। पानी की नलियों का इन बंदरों ने तोड़ दिया है। पानी के लिए भी लोग मोहताज हो रहे हैं। इनको जब धमकाने के लिए जाते हैं तो झुंड के रूप में उस पर हमला कर देते हैं। कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं। इस मामले में नगर परिषद आयुक्त से भी कई बार लिखित में शिकायत दी जा चुकी है लेकिन वहां से सिवाय आश्वासन के अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पाया। नगर परिषद आयुक्त ये कहते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं कि कई बार टेंडर लगा चुके हैं लेकिन टेंडर लेने वाला ही कोई नहीं आता। ऐसे में नगर परिषद अधिकारियों की उदासीनता और बंदरों के आतंक से सेक्टर के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। वहीं नगर परिषद सचिव पवन कुमार शर्मा ने बताया कि बंदरों के आतंक को लेकर वार्ड पार्षद से सूचना मिली है। बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर भी जारी किया हुआ है। मथुरा की एक फर्म है जिसको टेंडर दिया हुआ है। टेंडर फर्म को सूचित कर दिया गया है, वो 2 से 3 दिन में मथुरा से आकर सभी बंदरों को पकड़ने का काम करेगी।